यस राइट साइड ऊपर जाना है ठीक है। एक जी ग्राउंड की बैग से ऐसे वो आगे जो थचे ग्राउंड है ना वहाँ से वापस टर्न करना है और मंडी वाली साइड से वापस किधर ही आना है ठीक है। यहाँ पे वापस आना है, इधर ही आपको प्राइस वगैरह जो मिलेगा इधर ही मिलेगा ठीक है। ये ना आप लोग वहाँ से जाओ अपने अपने कोई घर चला जाए। अब इसको साइड करना, इसको साइड करना। अब बच्चों आगे आ जाओ, चलो आ जाओ आगे, बीच वाला साइड कर, बीच वाला साइड कर, बीच वाला भी साइड कर। तो चलो कैमरा भी कैमरा ठीक है चलो 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 भाई शाबाश छोटे बच्चे पीछे कर अनिल इधर आ यार, क्या उधर बितावा करना यार, साइड आना यार, ध्यान ध्यान में इधर अनिल ओए साइड आना यार। तो जो 10 दिन से पुलिस मास्टर डे चल रहा था उनकी वजह से आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। तो जितने मेरे दोस्त हैं सभी यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम उनकी वजह से बल्कि उनके साथ रन फॉर यूनिटी पे हम सारे एक साथ निकल रहे हैं। तो क्या मकसद क्या है रन फॉर यूनिटी करके, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? बहुत ही पुलिस वालों की तरफ से बल्कि पुलिस के थ्रू हम यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, हमें आगे का मौका मिलेगा तो खेल कूद में भी हम आगे जाएंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कान, और मैं इस्लानी बीच रहता हूँ। यहाँ से 10 दिन तक पुलिस यूनिटी डे मनाया जा रहा है और हमारी ये रन फॉर यूनिटी सबके लिए इकट्ठा रनिंग करने के लिए और हमारे लिए हेल्पफुल है और इससे हमें बहुत बेनिफिट है पुलिस की तरफ से है। हम कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये करता गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब लोग सब भाई लोग जो भी हमारे रन फॉर यूनिटी हम गट्ठे दौड़ें और साथ में रहें। खाना है और यहाँ पे पुलिस लाइन में आज यहाँ पे रन फॉर यूनिटी निकाला जा रहा है जो 10 दिन तक पुलिस मार्टन से मनाया जा रहा है। यहाँ पे ये रन फॉर यूनिटी जो है ये सेहत के लिए ठीक है, ये ठीक है, इसे सीखने के लिए हमें और कुछ भी मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस वाले हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखा जाए यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे हैं क्रिकेट के लिए, यहाँ पे जो पुलिस वाले करा रहे हैं ठीक है मार्टियंस डे के लिए। तो ये मैं पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे हमारे लिए कुछ किया। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस वाले हम लोगों के लिए शहीद होते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं और आज का दिन ये उनके शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, कितना आपको जो है इंस्पायर हो रहे हैं उनसे? इससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है कि पुलिस वाले हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे देश की फौज हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ यस, पुलिस मार्टियर्स डे जो 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है तो इस साल ये जो है वो 10 दिन के लिए मनाया जा रहा है 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो उसमें बहुत से स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, वॉलीबॉल मैचेस करवाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी ये भी थी कि रन फॉर यूनिटी।
तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ रजौरी में जो है रजौरी के शहर के और गांव वाले बच्चों को बुलाया हमने, तो रन फॉर यूनिटी इसके लिए इनको वो करवा रहे हैं ये इवेंट। फिर क्या लगता है इस तरह की रन फॉर यूनिटी जो इस तरह से रेस होती है इससे कितना बेनिफिट मिलता है, जिस तरह से साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है? देखो एक तो जैसे कोरोना की वजह से और इस सब की वजह से ज़्यादातर बच्चे बड़े सारे लोग घर में ही बैठे हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। तो दूसरा ये है कि पुलिस और पब्लिक के जो रिलेशंस हैं वो इससे मेंटेन होंगे।